The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Forensic Classes by Diksha and make your NET Forensic exam dreams come true. Download the app now. Hello everyone, welcome to our YouTube channel. And aaj ki class mein hum padh rahe hain the Indian Medical Council Act 1956. Before starting today's class, a quick reminder, agar aap NET ki preparation karna chahte hain criminology and forensic science se, to hamare application mein special courses available hai. Paper 1 plus paper 2 ke courses available hai, ya phir sirf aur sirf agar aap paper 2 join karna chahte hain to uski classes bhi available hai. App ki link aapko description mein mil jayegi, wahan se aap ise download kar sakte hain, classes join kar sakte hain. We have classes for scientific officers, scientific assistants, semester classes, and wo sare ke sare bacche jo abhi NET ki examination forensic science se October mein dene wale hain, सारे के सारे एग्जामिनेशन के कोर्सेज अवेलेबल है. वी हैव क्रैश कोर्स फॉर नेट 14th अक्टूबर को जो होने वाला है, सो यू कैन जॉइन रिवीजन क्लासेस एंड यू कैन क्विकली रिवाइज एंड प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर योर नेट एग्जामिनेशन. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास. इट्स अबाउट द इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956. सो 1956 में जो इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट आया उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में. सो इंडियन मेडिकल काउंसिल, सो द मेडिकल काउंसिल कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द एक्ट which consist following members. So कुछ members, क्योंकि ये council है, because it's a council, so council में कुछ members involved होते हैं. तो कौन कौन से members होते हैं? So one member from each state, एक member हर एक state से, to be nominated by central government. कौन nominate कर रहा है? Central government in consultation with the state government which is concerned. So जिस भी state से वो belong करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट से बातचीत करने के बाद उसे क्या करते हैं, नॉमिनेट करते हैं एक मेंबर. देन वी हैव वन मेंबर फ्रॉम ईच यूनिवर्सिटी टू बी इलेक्टेड फ्रॉम अमंग द मेंबर्स ऑफ मेडिकल फैकल्टी ऑफ द यूनिवर्सिटी बाय मेंबर्स ऑफ द कोड ऑफ द यूनिवर्सिटी. ठीक है, सो किसी भी एक हर एक स्टेट के एक यूनिवर्सिटी से एक मेंबर हम इस काउंसिल में इलेक्ट करते हैं, इस काउंसिल में रखते हैं. देन वी हैव वन मेंबर फ्रॉम ईच स्टेट इन विच अ स्टेट मेडिकल रजिस्टर इज मेंटेन्ड. सो जो स्टेट मेडिकल रजिस्टर है जो मेंटेन करते हैं, वहां से एक मेंबर को हम इस टीम में रखते हैं. इट इज टू बी इलेक्टेड अमंग देमसेल्व्स. तो आपस में ही वो इलेक्ट करके उस पर्सन को मेडिकल काउंसिल में, इंडियन मेडिकल काउंसिल में सेंड करते हैं. सच एज रजिस्टर. ओके, आई एम सो सॉरी. ये इलेक्ट किए जाते हैं आपस में, एंड जो भी पर्सन रजिस्टर में एनरोलमेंट करता है वो पर्सन यूजुअली इलेक्ट किया जाता है. सेवन मेंबर्स टू बी इलेक्टेड फ्रॉम अमंग देमसेल्व्स. सो यहाँ पे फिर से सेवन मेंबर्स इलेक्ट किए जा रहे हैं अमंग देमसेल्व्स बाय पर्सन्स एनरोल्ड ऑन एनी स्टेट मेडिकल रजिस्टर्स. सो कोई भी स्टेट मेडिकल रजिस्टर में जो इंटर्ड है उनमें से सात मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं. एट मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. अब जो एट मेंबर्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है एंड ये बनाते हैं इंडियन मेडिकल काउंसिल में. ये बनाते हैं इंडियन मेडिकल काउंसिल और ये सारी चीजें बताई गई हैं इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 में. ओके, नेक्स्ट वी हैव दे होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years. सो ये जितने भी मेंबर्स हैं वो 5 साल के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं. अ प्रेसिडेंट एंड अ वाइस प्रेसिडेंट आर इलेक्टेड फ्रॉम अमंग देमसेल्व्स. सो जो भी प्रेसिडेंट बनता है और जो भी वाइस प्रेसिडेंट बनता है, इन्हीं मेंबर्स में से कोई दो लोग होते हैं, यानी आपस में इलेक्शन करते हैं कि कौन वाइस प्रेसिडेंट बनेगा, कौन प्रेसिडेंट बनेगा. द काउंसिल अपॉइंट्स अ रजिस्ट्रार हु एक्ट्स एज अ सेक्रेटरी एंड मे ऑल्सो एक्ट एज अ ट्रेजर हु लुक्स आफ्टर डे टू डे वर्क. सो इस काउंसिल में से एक पर्सन को एज अ रजिस्ट्रार अपॉइंट करते हैं एंड वो एज अ सेक्रेटरी भी वर्क करता है एंड डे टू डे बेसिस पे जो भी काम हो रहा है उसे मॉनिटर करने का काम भी ये सेक्रेटरी या फिर रजिस्ट्रार करते हैं. द एग्जीक्यूटिव कमिटी कंसिस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, 7 to 10 अदर मेंबर्स. जो एग्जीक्यूटिव कमिटी होती है उसमें प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं एंड इन दोनों के अलावा 7 से 10 मेंबर्स इस कमिटी में होते हैं. अदर कमिटीज फॉर जनरल एंड स्पेशल पर्पज आर कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम अमंग इट्स मेंबर्स. सो इनके अलावा, इस कमिटी के अलावा डिफरेंट जनरल कमिटी भी होती है एंड स्पेशल पर्पसेस के लिए बनाई गई कमिटी होती है जो कि इलेक्ट करे जाते हैं, इनके मेंबर्स इलेक्ट करे जाते हैं आपस में. ओके, अब कुछ शेड्यूल्स है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इस एक्ट के अंदर. सो फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द एक्ट कंटेन्स द रिकॉग्नाइज्ड और रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल क्वालिफिकेशन व्हिच इज ग्रांटेड बाय यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया. तो ये पहला शेड्यूल हैंडल करता है वो सारे के सारे एक्ट्स जो कि इंफॉर्मेशन कंटेन करते हैं, जो किसी भी कॉलेज को रिकॉग्नाइज करते हैं, जो मेडिकल क्वालिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं. सो बेसिकली यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया इन इंडिया, मेडिकल यूनिवर्सिटीज इन इंडिया.
देन वी हैव सेकेंड शेड्यूल दैट ग्रांट आउटसाइड इंडिया, ठीक है। फिर ये ऐसे शेड्यूल हैं, सेकेंड शेड्यूल में वो सारी कमिटी आ जाती है जो कि इंडिया के आउटसाइड क्वालिफिकेशन ग्रांट करती है। देन वी हैव पार्ट वन ऑफ द थर्ड शेड्यूल विच कंटेन दोज ग्रांटेड बाय मेडिकल इंस्टीट्यूशन नॉट इंक्लूडेड इन द फर्स्ट शेड्यूल। वो सारी चीज़ें जो फर्स्ट शेड्यूल में इंटर्ड नहीं करी गई हैं, वो हम थर्ड शेड्यूल के पार्ट वन में इंटर करते हैं। देन वी हैव पार्ट टू ऑफ थर्ड शेड्यूल दोज ग्रांटेड आउटसाइड इंडिया बट नॉट इंक्लूडेड इन द सेकेंड शेड्यूल। तो वो सारी चीज़ें जो आउटसाइड इंडिया ग्रांट करी गई हैं एंड जिसको हमने सेकेंड शेड्यूल में जिसको हमने सेकेंड शेड्यूल में इंक्लूड नहीं किया, जिसको हमने सेकेंड शेड्यूल में इंक्लूड नहीं किया है, वो थर्ड शेड्यूल के पार्ट टू में आ जाएगी। जो थर्ड शेड्यूल है वो पार्ट वन पार्ट टू से मिलकर बना है और इसमें फर्स्ट शेड्यूल एंड सेकेंड शेड्यूल का ही मेंशन है। सो इट्स अबाउट दैट। सो ये है आपकी इंडियन मेडिकल काउंसिल, दैट इज दी वेरी कन्फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956। और यही इंडियन मेडिकल काउंसिल सेंट्रल मेडिकल काउंसिल और स्टेट मेडिकल काउंसिल को गवर्न करती है। हम सेंट्रल मेडिकल काउंसिल और स्टेट मेडिकल काउंसिल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे एवरीवन। इट्स अबाउट इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956, 1956 में आई थी। एंड ये मेंबर्स होते हैं, ये कमेटी मेंबर्स होते हैं एंड कुछ इनके इंपॉर्टेंट काम होते हैं। इन शेड्यूल्स में हम ये सारे एरिया कवर करते हैं अंडर दिस एक्ट। So thank you so much everyone for watching this video. Have a great day ahead, and if you want to join any of our classes, you can download our application and join these classes. Thank you again. Have a great day ahead. Take care of yourself and see you guys in the next video. Till then, take care. Bye.